नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले स्पोर्ट काउंसिल में कौन से कॉलेज में कितनी सीट खाली है, कैसे पीडीएफ डाउनलोड करनी है, आपको पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आप जेड संबंधित जेड के यदि हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर पिन की हुई है लिंक, तो उसके अंदर आपको ऐड हो सकते हो। उसके अंदर वहाँ पर भी आपकी जो अपडेट है वहाँ पर मिल जाती है आपको व्हाट्सएप के थ्रू, क्योंकि हर चीज़ का वीडियो नहीं बनाया जाता, कुछ चीज़ें ऐसे भी बताई जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के अंदर, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। तो चलिए बात करते हैं अपन जेड की जो काउंसलिंग है, पहले तो कब होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो जेड की आपकी काउंसलिंग है वो होने वाली है 27 तारीख को, 27 से 29 तक, 2 दिन तक आपकी काउंसलिंग चलेगी। इसमें आपको काउंसलिंग के अंदर कॉलेजें फिल करनी है। इसकी पहले बात कर रहे थे कि काउंसलिंग होगी या नहीं, तो ये कंफर्म हो चुका है काउंसलिंग होगी 27 से 29 तारीख के बीच में। आपको जो कॉलेज है वो भरनी है। अब कौन सी कॉलेज में सीट करनी है इसका पता आपको कैसे लगाना है, तो पहली चीज़ तो देखो आप दो तरीके से पता लगा सकते हो। पहली तो बात करते हैं अपन कि आपका जो कॉलेज है, जैसे मतलब आपने कोई वो करा कॉलेज की लिस्ट ली, या फिर आपका कोई दोस्त है वहाँ पर उसको पूछ सकते हो कि कॉलेज में लिस्ट खाली है नहीं है। अब एक दूसरी चीज़ ये कि आप साइट पर अपडेट रहना, और यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जैसे जो काउंसलिंग है वो आपकी स्टार्ट होगी, कौन कौन सी कॉलेज में सीट खाली है उसकी जानकारी तो अभी यहाँ पे मिल गई है, लेकिन पूरी जानकारी यहाँ पे नहीं मिल रही है। जी हाँ, पूरी जानकारी यहाँ पे नहीं दे रखी है उन्होंने। कुछ कुछ प्राइवेट जो कॉलेज है उनके लिए बताया रखा है, भाई इनके अभी तक सीट खाली है। जैसे इन्होंने बताया हुआ है एक इंद्रगढ़ कॉलेज, इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर, उसमें 60 सीट खाली है, और एक बता रखा है इसके अंदर एक जोधपुर में कॉलेज है, ये शायद प्राइवेट ही है, इसके अंदर 60 सीट खाली है, और ये गोदान करके कोई कॉलेज है। तो इसे उन्होंने अभी तक प्राइवेट दे रखा है, लेकिन जब आप फॉरम खोलोगे स्पोर्ट काउंसलिंग का तो उसके अंदर आपको पूरी कॉलेजों की लिस्ट आपको मिल जाएगी किसके अंदर सीट खाली है, और वही कॉलेज वहाँ पर शो होगी। तो आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, कौन सी कॉलेज में नहीं है वो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं कि 5000 रुपये किसको देने किसको नहीं देने, तो 5000 केवल उसी को देने हैं जिसको जिन्होंने यहाँ पे कॉलेज एक्सेप्ट कर ली वही है 5000 देगा, और स्पोर्ट काउंसलिंग वही करवा सकता है जो पहले जिसने काउंसलिंग करवाई है, और नहीं करवा सकते। तो धन्यवाद, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। जय हिंद।